चलिए आज एक और नई बच्ची से मिलते हैं, दिव्या अवस्थी से, जो कि इटावा यूपी से है। तो दिव्या, अभी दिव्या को इंदिरा गांधी टेक्निकल वुमेन यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है, तो सबसे पहले बेटा आपको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दिव्या, जैसे कि मुझे थोड़ा सा आपके बारे में पता है कि आपका फाइनल, जब आप फाइनल ईयर में थे और आपने निमसेट दिया, तो आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, 1300 कुछ आई थी। फिर उसी समय आपका टीसीएस में भी हुआ, पर आपने टीसीएस में भी एक तो जॉब ज्वाइन नहीं किया, उसको डिले करते रहे। दूसरा, उस रैंक पे एचवीटीयू मिला था, वो भी आपने छोड़ा, कंप्रोमाइज नहीं किया। आज आपको इतना अच्छा कॉलेज मिला, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है, इंटायर जर्नी, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो जरूर बताओ। क्योंकि कई बच्चों के लिए एकदम से टीसीएस, विप्रो या जॉब लगता है, तो ऐसा लगता रहे आप पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, तो ये सब डिसीजंस कैसे लिए? सर मैं 12th तक, मतलब आई वॉज नॉट इन टू स्टडीज, मतलब मैं बहुत अवेयर ही नहीं थी अपनी पढ़ाई को लेके। तो बस ऐसे ही बीसीए करने का, ऐसे ही तुक्के से कर लेना है बस बीसीए, इसलिए। तो सर जब वहां पे गई तो फिर प्लेसमेंट बेस्ट कंपनी वहां पे टीसीएस ही आती है, तो सर फिर प्रायोरिटी में रखा कि ठीक है प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो सर टीसीएस में प्लेस्ड हो गई। उसके बाद जब निमसेट दिया तो उसमें 1300 कुछ रैंक आई थी मेरी। तो सर उसके बाद मुझे एचवीटीयू अलॉट हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल से ऑलरेडी कानपुर में थी, तो मेरा कानपुर में रहने का मन नहीं था। और टीसीएस में सर कोविड की वजह से अभी ज्वाइनिंग भी नहीं करना था, मतलब आप डिले कर सकते हो। तो क्योंकि मैं विलेज से हूँ, बीरपुर से, और उनको मेरा एड्रेस पूरा पता है, तो मैंने उस सिचुएशन को थोड़ा सा यूज कर लिया। मैंने कहा आई एम फ्रॉम विलेज और वहां पे इंटरनेट का इतना अच्छा नहीं है सोर्स, तो फिर मेरा डिले होता रहा। और फिर मैं प्रिपेयर कर रही थी सर, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि एग्जाम मई में हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप ले लिया था। लेकिन फिर वो कोविड की वजह से और शिफ्ट हो गया, तो फिर जब मैंने दोबारा एग्जाम दिया तो उसमें मेरी 838 रैंक आई है, 32। 32। हाँ उसके बाद सर फिर आपसे पूछा था, IGDTUW में भी मेरा हो गया था। और मतलब इसका कॉलेज का अपना ही एक नाम है सर, और क्योंकि वुमेन्स को अब इतना ज्यादा टेक्निकल फील्ड में वुमेन्स को वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है रेदर देन बॉयज एंड मेन्स। सो बहुत अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए सर, इसलिए मैंने ये ऑप्ट करा। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब आपने, जैसे टीसीएस का आपके पास एक ऑफर था, आप चाहते तो ज्वाइन कर सकते थे, आपने उसको डिले भी किया, कंप्रोमाइज भी नहीं किया। अच्छा, अभी आपको अपने कॉलेज में कैसा लग रहा है? क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इसकी, गर्ल्स के लिए भी अच्छा है, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, दिल्ली में है। तो अभी आप कैसा फील करते हो इस कॉलेज में, और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? सर पहले तो थैंक यू, क्योंकि अगर मैं आपके कांटेक्ट में ना आती तो मैं इस कॉलेज के बारे में जानती ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी निमसेट दिया है तो मुझे इस कॉलेज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और फिर अभी जब मैं कॉलेज में देखती हूँ, जो हमारा पीयर ग्रुप है, बहुत मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है चीजों की। आ आ मतलब कुछ बच्चे हैं जो अमेजोन वाओ में इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप करे बैठे हैं एक तो, मतलब उनका टेक्निकल नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो और भी हैं जो नहीं कर, जिनका उतना अच्छा नहीं है, वो भी ट्राई करते हैं कि और अच्छा कर पाए, और अच्छा कर पाए। तो और सर वो कोट है ना, यू आर नथिंग बस जस्ट एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। सो सर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, जो भी आपके आसपास के होते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर। इनफैक्ट आप लास्ट ईयर एचपीटीयू में जाते तो आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता नहीं जो मिलता अभी सर। आपको मिल रहा है। आपने खुद कानपुर में रहे हो, आप खुद बता सकते हो ये बात। यस सर। चलो, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करो, आपका ये टीसीएस का प्लेसमेंट, अभी जब आपके प्लेसमेंट होंगे ना कहीं ये वैल्यू एडिशन करेगा, तो एक यस अच्छा प्लेसमेंट भी लो आप। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।